नाम सूची में है। पहले नाम में कालका विधानसभा सीट से प्रदीप चौधरी को मौका मिला है, नारायणगढ़ से 3 नंबर विधानसभा, दूसरे नंबर पर नाम है शैली चौधरी का, सडोरा विधानसभा जो आरक्षित विधानसभा है वहां से रेनू बाला को मौका दिया गया है, रदौर से बिशनलाल सैनी को, लाडुआ से मेवा सिंह को, शाहबाद आरक्षित सीट रामकरण काला को, नीलो खेड़ी जहां से एससी की सीटों में सबसे ज्यादा दावेदार हैं धर्मपाल गोंडर को मौका दिया गया, असंध से शमशेर सिंह गोगी, समालका से धर्म सिंह छोकर, खरकोदा आरक्षित सीट से जयबीर सिंह, सोनीपत से सुरेंद्र पवार, गोहाना से जगबीर मलिक, बरोदा से इंदु सिंह नरवाल, जुलाना से विनीश फोगाट, सफीदों से सुभाष गंगोली, कालावाली से शीशपाल सिंह, डबवाली से अमित सियाग, गढ़ी सापला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक से भारत भूषण बत्रा, बीबी बत्रा के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, कलानौर जो आरक्षित सीट है शकुंतला खटक मौके की विधायक, बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून, बादली से कुलदीप वत्स, झज्जर से गीता भुक्कल, बेरी से रघुवीर सिंह काद्यान, महेंद्र से राव दान सिंह, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, नूह से आफताब अहमद, फिरोजपुर झिरका से मामन खान, पुनाना से मोहम्मद इलियास, होटल से उदय भान सिंह, फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा चुनाव लड़ेंगे। ये 31 सीटों का हाल हमने बता दिया। बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इनके अंदर आपको कोई शक लगता है कि इनमें से कोई हार सकता है, जो भी जैसे कि एक दो नए नाम भी आए हैं और कुछ सीटिंग एमएलए भी हैं, तो इनमें से किसी सीट के ऊपर आपका कोई सवाल हो कि यहाँ से जो टक्कर मिल सकती है या फिर जो यहाँ से जो है ये कैंडिडेट जो है कहीं से हार सकते हैं, कुछ आपको ऐसा कोई नाम नजर आया इनके अंदर? जी, इसमें कुछ नामों का जिक्र मैं बिल्कुल सुमित जी करना चाहूंगा, चाहे बात महेंद्रगढ़ विधानसभा की हो, चाहे बात कालका की हो, नारायणगढ़ की हो, लाडवा की बात हो, सोनीपत की बात हो, तमाम जो विधानसभा है इनमें एक एक करके अगर विनीश फोगाट की सीट को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी उसे सेफ सीट मान रही थी, लोकसभा में वहां काफी अच्छी बढ़त मिली थी कांग्रेस पार्टी को, लेकिन महेंद्रगढ़ से जिन पे ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, राव दान सिंह जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से प्रत्याशी भी थे, सेमीफाइनल मुकाबले में अपने बूथ से अपनी विधानसभा से चुनाव हार गए थे और फिर से उन्हें अगर टिकट दिया गया है तो कह सकते हैं निश्चित तौर पर ये खतरे की घंटी उनके लिए हो सकती है। इसके अलावा लाडवा से मेवा सिंह के लिए निश्चित तौर पर खतरा होगा, सीएम सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो मेवा सिंह के लिए निश्चित तौर पर यह सीट निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति क्षमता के साथ अपना मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा मैं बात ना चाहूंगा, अगर बात करें बड़ौदा विधानसभा से इंदुराज नरवाल की, सुभाष गांगुली की, सुभाष गांगुली के लिए भी ये रास्ता आसान नहीं होगा, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया, राजनीति के माहिर, 2005 में चुनाव जीते, उसके बाद 2019 में जेजेपी से जीते और जिनके मीम बने थे और काफी उनका हास्यास्पद जो उनके किस्से रहे हैं, राम कुमार गौतम उनके सामने चुनौती खड़ी कर सकते हैं क्योंकि ब्राह्मणों के वोट पर वो एक मजबूत पकड़ रखते हैं, तो हो सकता है कि सुभाष गांगुली के लिए भी चुनौती हो। इसके अलावा गढ़ी सापला का टिकट आप क्लियर मान सकते हैं, रोहतक में निश्चित तौर पर भारत भूषण बत्रा के लिए राह आसान नहीं होगी, वहां पर जो शहर का माहौल है निश्चित तौर पर वहां के वोटर सियाने जरूर है, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती दिखी तो रोहतक शहर से जीत करके आएंगे भारत भूषण बत्रा, लेकिन अगर चुनाव पलटा और किसी प्रकार की कोई बात हुई तो वो सीट खतरे की घंटी हो सकती है कांग्रेस के लिए। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा रेवाड़ी में चिरंजीव राव को, चिरंजीव राव जो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, उनका टिकट लगभग फाइनल ही माना जा रहा था, वो लगातार अपने दौरे भी शुरू कर चुके थे, लेकिन वहां पर राव इंद्रजीत का खासा प्रभाव है और उनकी बेटी को टिकट मिला है, इसी बात को लेकर के चर्चा हुई है, क्या वो 11 जो अहिरवाल की सीटें हैं उनमें विधायकों को जिता पाएंगे, तो निश्चित तौर पर रेवाड़ी की राह भी कांग्रेस पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाली है।
इसके अलावा मैं बात करूं समालका से धर्म सिंह छोकर के लिए भी चीजें आसान नहीं होंगी। लंबे समय से उनको लेकर के हल्के में एक बात चल रही है कि प्रत्याशी होंगे नहीं होंगे, ईडी का उन पर भी शिकंजा कसा गया था। तो निश्चित तौर पर ये बात हो सकती है कि धर्म सिंह छोकर के लिए भी रहा मुश्किल हो, लेकिन इनमें से जो तकरीबन सीटें हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है और निश्चित तौर पर ये वही सीटें हैं जहां से उनके सीटिंग एमएलए पहले रहे हैं अधिकतर सीटें, और ये मजबूत दावेदारों की पहली सूची जारी की। बिल्कुल, जानकारी के लिए बता दें कि 28 सीटिंग एमएलए जो है उनको टिकट दी गई है, 3 इसके अंदर जो है नाम नए ऐड किए गए हैं, 3 नाम नए ऐड किए गए हैं जिसके अंदर एक विनेश फोगाट भी है और 2 और हैं, मैं अभी कुछ देर में बता देता हूं, अभी भी जानकारी मिली है ये टोटल जो है जिनका कैलकुलेशन करके जो है बताया गया है। जी एक चीज है जी, नायर सैनी के सामने जो लाडवा विधानसभा मेवा सिंह, यहाँ पर भी काफी रोमांचक मुकाबला होगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये सीटें खतरे की घंटी है। नायर सिंह सैनी हल्के कैंडिडेट तो नहीं है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और मेरे को लग रहा है कि ये बीजेपी के हक की जी लाडवा से निश्चित तौर पर इसीलिए यहाँ पर उम्मीदवार पहले घोषित किया गया है। नायब सिंह सैनी की घोषणा के बाद लगातार कैंडिडेटों को डर सता रहा था कि तैयारी अच्छे से हो सके, जी हार यहाँ से हो सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेवा सिंह का अपना ग्राफ है, अपना ग्राउंड है, वो जमीन पर काफी काम कर चुके हैं। नायब सिंह सैनी के लिए रहा लड़ना भी नहीं चाहते थे नायब जी, इसीलिए नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि राह उनके लिए आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को थोड़ा नुकसान होगा और एज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को है। और इसमें से ज्यादा अधिकतर सीटें हैं जो सोनीपत की, रोहतक की, झज्जर की, जो पुराना रोहतक है वहां की ज्यादातर सीटों की घोषणा की गई है। इसके अलावा जो सीटें कांग्रेस की मजबूत मानी जा रही हैं उन्हीं 31 सीटों पर पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। बिल्कुल, जहां से वोट आए थे लोकसभा में और जो लोकसभा में, चाहे वो रोहतक की बात करें चाहे सोनीपत की बात करें, तो यानी कि यहाँ पर अच्छे खासे कांग्रेस को वोट आए थे और वो विधानसभा उनमें शामिल है जी। कलानौर से भी शकुंतला घटक है, आपकी बार उनका काफी विरोध भी हुआ लेकिन उसके बावजूद भी टिकट दी गई है जी। सोमवीर जी, कुछ अभी जो लिस्ट फाइनल की गई है 31 कैंडिडेट की जी, उसके अंदर कुछ 3 खास बातें जो है सामने आई है। कांग्रेस ने ईडी केस में फंसे 3 विधायकों को टिकट दी, इसमें सोनीपत से सुरेंद्र पवार, समालका से धर्म सिंह छोकर और महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह। पहली बात तो ये है खास बात। दूसरी बात यह कि पहली लिस्ट में 3 मुस्लिम चेहरों को टिकट दी गई है, इसमें मामन खान, मोहम्मद इलियास, अफ्ताब अहमद शामिल हैं। तीसरी खास बात यह कि 2019 का विधानसभा चुनाव हार चुके सिर्फ 1 नेता चौधरी उदयभान को टिकट दिया है। चौधरी उदयभान इस समय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं।